मणिपुर मामले पर शाह ने दे डाला बेतुका बयान, आ गया सियासी तूफान, तेजस्वी यादव ने दे दी अल्टीमेटम। घटना से ज्यादा वीडियो सामने आने पर था शाह का फोकस, एक बयान पर शाह से सीधे सीधे भिड़ गए तेजस्वी यादव। वीडियो की टाइमिंग पर जैसे ही शाह ने उठाए सवाल, हो गया बवाल, तेजस्वी ने दे डाली चुनौती। मणिपुर मामले पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे मोदी सरकार घिरती जा रही है। शुरुआत से ही मणिपुर में हुई ऐवानियत के मामले के सामने आने के बाद वीडियो पर बीजेपी के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस घटना पर सिर शर्म से झुक जाना चाहिए उस पर छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का जिक्र किया जा रहा है। वहीं इस वीडियो के सामने आने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार को फंसाने के लिए संसद सत्र से ठीक पहले ये वीडियो सामने आया है, जिस पर पहले से ही बीजेपी की हालत खस्ता है। लेकिन जब देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह ने भी उसी बयान को दोहरा दिया तो मानो आफत दोगुनी हो गई। गृह मंत्री के इस बयान पर तेजस्वी यादव का पारा हाई हो गया और फिर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे शाह को चुनौती दे डाली। मामले पर गिर गई सरकार तो बौखला गए बीजेपी के धुरंधर नेता। घिनौनी हरकत पर दे रहे इस बेतुका बयान, तेजस्वी का पारा हाई। 20 जुलाई को एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला को कुछ लोग बिना कपड़ों के घुमाते दिखे, जिसके बाद उसका गैंगरेप किया गया। यह घटना बीजेपी शासित राज्य मणिपुर की थी जिस पर सरकार गिर गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की हिला हवाली पर नट बोल्ट कस दिए, जिसके बाद तो मोदी के मंत्री इस कदर बौखला गए कि एक के बाद एक उल जलूर बयान देने लगे। ऐसे में जो अमित शाह संसद में खड़े होकर बार बार चर्चा करने की चुनौती दे रहे थे, उन्होंने भी इस वीडियो की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिया। अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि संसद सत्र शुरू होने से एक शाम पहले मणिपुर का वीडियो लीक करना साजिश जैसा लगता है। जैसे ही शाह का यह बयान सामने आया वैसे ही तेजस्वी यादव का पारा चढ़ गया, जिस पर तेजस्वी यादव ने अमित शाह को आड़े हाथों ले लिया। राष्ट्रीय जनता दल ने अमित शाह के बयान पर वार करते हुए कहा कि वीडियो लीक से क्या तात्पर्य है, वीडियो गृह मंत्री दबाए हुए थे, दुष्कर्म की जानकारी पहले से थी और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की, वीडियो पब्लिक डोमेन में आना साजिश है और सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में कोई साजिश या आपत्ति नहीं है। देश को झकझोर देने वाली घटना पर गृह मंत्री के बयान ने लोगों को भी गुस्सा दिला दिया। वजह साफ है कि सिर्फ अपनी सियासत को साधने वाली बीजेपी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। तो बीजेपी का कोई भी नेता इस तरह का बयान देता तो इसे सिर्फ पार्टी की होती फजीयत से जोड़कर देखा जा सकता था। लेकिन जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने इस मामले पर बयान दिया उसने सरकार की फिक्र को दिखा दिया है, जिसकी वजह से मोदी सरकार की जमकर किरकिरी भी हो रही है। क्योंकि इससे पहले खुद मोदी ने मणिपुर पर चिंता जताने से ज्यादा छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर चिंता जता दी थी। वहीं संसद के अंदर स्मृति ईरानी कभी छत्तीसगढ़, कभी पश्चिम बंगाल, कभी राजस्थान तो कभी बिहार का जिक्र कर रही थी, लेकिन मणिपुर के मामले पर बोलने से बच रही थी, जिस पर पहले से ही तेजस्वी यादव का पारा चढ़ा हुआ है और अब शाह के बयान ने भारी फजीयत करा दी। मणिपुर मामले पर शाह ने दे डाला बेतुका बयान, आ गया सियासी तूफान, तेजस्वी यादव ने दे दी अल्टीमेटम। घटना से ज्यादा वीडियो सामने आने पर था शाह का फोकस, एक बयान पर शाह से सीधे सीधे भिड़ गए तेजस्वी यादव। वीडियो की टाइमिंग पर जैसे ही शाह ने उठाए सवाल, हो गया बवाल, तेजस्वी ने दे डाली चुनौती। मणिपुर मामले पर जैसे जैसे दिन बीत रहे वैसे वैसे मोदी सरकार घिरती जा रही है। शुरुआत से ही मणिपुर में हुई ऐवानियत के मामले के सामने आने के बाद वीडियो पर बीजेपी के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस घटना पर सिर शर्म से झुक जाना चाहिए उस पर छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का जिक्र किया जा रहा है। वहीं इस वीडियो के सामने आने की